नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज की इस वीडियो में हम आपसे डैंड्रफ यानी कि सिर में पपड़े जमना, रूसी खुश्की का हम प्रतिक्लास बताएंगे। हमारे एक पेशेंट जो पिछले 10-12 दिन से हमारे यहाँ से दवाई ले रहे थे और स्टार्टिंग में जो हमने दवाइयाँ दी उन दवाइयों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ मरीज को, लेकिन अभी 7 दिन पहले जो हमने दवाइयाँ दी उनसे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मरीज को लगा। की तरह नहीं है, जब पहले जो हमारे पास आए बहुत खुश थे कि डॉक्टर साहब इन दवाइयों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और जो डैंड्रफ था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। हालांकि पिछला वीडियो हम उनका नहीं बना पाए थे, लेकिन ये जो आज पेशेंट आए इनका हमने वीडियो बनाया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका बिल्कुल स्काल्प साफ हो गया, किसी भी तरह की पपड़ी डैंड्रफ आपको सिर में नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, इसमें हम चर्चा करेंगे कि हमने होम्योपैथी की किन किन दवाइयों के मदद से मरीज को आराम दिया। तो इसमें दोस्तों हमने लक्षण के आधार पर लाइकोपोडियम 200 और कैंथ्रीस 30, चूँकि सिर में इचिंग काफ़ी थी और इचिंग स्काल्प इचिंग में अगर आप रिपर्टरी खोलेंगे तो उसमें कैंथ्रीस 30 का इंडिकेशन है और पपड़ी ड्राई स्केल्स के अगर आप देखेंगे तो उसमें हाइड्रोकोटाइल अत्यंत लाभ करती है। और साथ ही हमने उनको थूसा मदर टिंचर 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में पीने के लिए दिया और उसी मदर टिंचर को गोले के या सरसों के तेल में मिलाकर थोड़ा सा उसमें आधा नींबू निचोड़कर लगभग ये 1 चम्मच सरसों का तेल, नींबू आधा नींबू और 10 बूंद थूसा मदर टिंचर का एक मिक्सचर बना के स्काल्प में धूप में बैठकर लगाने के लिए दिया। तो 7 दिन में मरीज को अत्यंत लाभ हुआ। तो ये एक सिंपल सा हमारा फंडा है स्काल्प ट्रीटमेंट के लिए, अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो अत्यंत लाभकारी है। तो दोस्तों, जिन लोगों के स्काल्प में डैंड्रफ है वो इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं और बेहतर है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, हो सकता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से और दूसरी दवाएं सूट करें। तो इस वीडियो को दिखाने का पर्पज़ ये है कि होम्योपैथी में अगर आप काफ़ी दिनों से डैंड्रफ से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रूसी खुश्की है और काफ़ी तरह तरह की शैम्पू लगाकर परेशान हो चुके हैं, हज़ारी रुपये आप स्काल्प के लिए अपने डैंड्रफ के लिए खर्च कर चुके हैं, आराम नहीं मिल रहा, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या लिखकर भेजिए, आपकी इलाज हमारी तरफ से किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।